हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम करने वाले हैं एसएससी बोर्ड साइंस टू फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ओके सो लेट्स स्टार्ट आई एम गोना शेयर द टेक्स्ट बुक विथ इट इज न सी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन दैट इज अ फर्स्ट चैप्टर इन साइंस टू ओके एंड यहाँ पे जैसे चैप्टर ऑलरेडी पार्ट में डिवाइडेड है टॉपिक वाइज तो हम उसी वाइज टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं एंड वीडियो को भी मैं पार्ट वाइज बनाऊंगा वरना एक uh, काफी लेंदी हो जाएगा वो ओके सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट uh, है कैन यू रिकॉल सबसे पहले ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपका जो भी है टेंथ में चैप्टर्स वो सारा आपके नाइन्थ के बेस के ऊपर डिपेंड है जो तो में आपने किया था उससे बहुत ज्यादा uh, सब कुछ रिलेटेड है तो आपको वो चीजें याद होनी चाहिए वो चीजें आपको समझनी चाहिए क्लियर करनी चाहिए तभी आप अभी के जितने टॉपिक्स है उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे एंड पढ़ पाएंगे ओके okay? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ट ऑफ द सेल्युलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरीज हेरिडेटरी कैरेक्टर्स तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा वो कॉम्पोनेंट है जो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है जो हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है वो कौन सी यू नो कॉम्पोनेंट है कौन सी चीज है हमारे अंदर तो एकदम सिंपल सा ये इसका आंसर है एक्चुअली दिस इज डीएनए डी एन ए हमारा जो होता है वो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है ओके okay? इस चैप्टर में हेरिडिटी समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डीएनए डीएनए आपको समझना है दैट इज डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ओके ये न्यूक्लियस के अंदर हर सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए वो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक कोड के फॉर्म में होती है एंड हर एक इंसान के अंदर ये होता है एंड उसके बेस पे उसके फीचर्स होते हैं उसका हाइट उसका हेयर का स्टाइल उसका आई कलर उसका स्किन कलर उसका यू नो बॉडी में जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ डिपेंड होता है ऑन डीएनए ओके सो हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये मौजूद होता है डाई ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ओके सेकेंड क्वेश्चन है आपका वॉट डू वी कॉल द कॉल टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजिनी तो एकदम सिंपल सा है ये हमारा चैप्टर का नाम ही है कि हम आ, जो हमारे पेरेंट्स में से हमारे अंदर जो फीचर्स आ गए हम जनरली बोलते हैं कि ये हमारे अः यू नो दादा पे गया है या हमारे पापा पे नाक गई है कान यू नो आईज मम्मी पे गई है तो ऐसी ये जो हम फीचर्स देखते हैं बच्चों में और हम बोलते हैं कंपेयर करते हैं उनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से तो ये जो है इसी इसी चीज को क्या बोलते हैं इसको हेरिडिटी बोलते हैं तो हमारा चैप्टर का आज का नाम जो है हेरिडिटी तो उसका मीनिंग इसका सेकेंड का आंसर वही है कि वी कॉल दैट प्रोसेस

शुगर होता है पेंटो शुगर भी बोलते हैं उसको डायराइबो शुगर भी बोलते हैं उसको डाइ ऑक्सीबो शुगर भी बोलते हैं फोर नाइट्रोजनस राइट नाइट्रो नाइट्रोजनस यानी नाइट्रोजन का बना हुआ बेसिस कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिक्स होता है सब कुछ फोर नाइट्रोजनस बेसिस वो फोर नाम क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे एंड फॉस्फेट फॉस्फरस ओके सो ये मेन दीज आर मेन कॉम्पोनेट्स दिज आर द मेन कॉम्पोनेट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल डीएनए इन चीजों का बना हुआ होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है आई एम सिंपली मेक अ स्ट्रक्चर जिसको हम न्यूक्लोटाइड uh, भी कहते हैं पेंटागॉन शेप होता है और यहाँ पे बेस सो यहाँ पे बेस आपका ये यह आपका यहाँ पर शुगर होता है और यहां पर फॉस्फरस होता है ओके okay, तो एंड ये शेप में, ये शेप में में ये ये लिंक होता है ओके okay, और इस पूरे शेप को न्यूक्लोटाइड कहा जाता है वो भी आपको याद रखना है कुछ चीजें अगर आप अच्छी तरह से टेक्निकल वर्ड्स है इसके अंदर काफी यूज होने वाले हैं अभी वो अगर आप वो वर्ड्स अच्छी तरह से याद रखेंगे तो आपको ये चैप्टर समझने में काफी आसानी होगी न्यूक्लोटाइड कहा जाता है इस पर्टिकुलर शेप को न्यूक्लोटाइड कहा जाता है ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लोटाइड जब मिलते हैं तो डीएनए का पूरा चेन फॉर्म होता है डीएनए की स्ट्रिप्स फॉर्म होती है ओके okay? सो so वो हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे आ, पहले चैप्टर चालू करते हैं अभी हम ओके नाउ हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस यू नो दैट यू नो दैट

फ्लावर्स क्यों ऊपर ही ऊपर की तरफ होते हैं नीचे की तरफ क्यों नहीं होते हैं किसी किसी के एक्सपेरिमेंट किए थे, तो थे, थे जिनको हम मेंडल्स एक्सपेरिमेंट के नाम से पढ़ चुके हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड में तो उन्होंने जेनेटिक्स के अंदर सबसे पहली ये यू नो रिसर्च चालू की थी एंड फिर हम आगे बढ़ते गए आगे फिर 1901 में reasons behind the sudden changes were understood due to mutational theory of Hugo so, Hugo botanist उन्होंने रिसर्च किया उन्होंने म्यूटेशन uh, क्या होता है जब हमारा जेनेटिक कोड में कुछ चेंजेस आ जाते हैं हर एक का एक जेनेटिक कोड होता है फिक्स ओके सो वो जेनेटिक कोड जो होता है उसके अंदर जो चेंज आ जाता है अगर किसी रीजन की वजह से तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं तो कभी कभार म्यूटेशन अच्छी बात है कभी कभार म्यूटेशन बुरी बात है ओके उससे डिसऑर्डर भी होता है कभी कभार कुछ अच्छा भी होता है मीन 1902 वॉल्टर सुटन ओके ये एंड uh, यहां पर नहीं है ओके okay, एक ही नाम है ये पूरा वॉल्टर सुटन ऑब्जर्व दैड क्रोमोजोन्स इन द सेल्स ऑफ ग्रासोपर वॉल्टर तो जी ने हमें बताया कि क्रोमोजो जो होते हैं हर एक सेल के अंदर क्रोमोजो होते हैं उसी क्रोमोजोन्स के अंदर, अंदर डीएनए होता है ओके सो so, क्रोमोजोन्स जो होते हैं जिसका शेप कुछ ऐसा है अगर आपको याद होगा हमने इसके बारे में पूरा डिटेल में नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा था कुछ ऐसे शेप के क्रोमोजोन्स होते हैं और इसी को जब हम खोलते हैं तो डीएनए निकलता है डीएनए इसी के अंदर होता है और ये ही जीन्स कहलाते हैं इसी में आधा पार्ट ऐसा यू नो ये पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ डीएनए पार्ट ऑफ क्रोमोजोन इज कॉल्ड जीन ओके सो इन्होंने वॉल्टर uh, जी ने ग्रासोपर के सेल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए एंड हमें बताया कि क्रोमोजोन्स हमेशा पेरिंग में होते हैं जोड़ी जोड़ी में साथ में होते हैं रिसर्च स्टार्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग द नेचर ऑफ जेनेटिक मटीरियल वेन इट वॉज प्रूव्ड दैट जीन्स आर कैरिड कैरीड बास तो यही रिसर्च करके कर हमें पता पड़ा कि क्रोमोजोन्स ही वो चीज है जो जीन्स को कैरी करती है ओके सो जीन्स इसी के अंदर होते हैं थ्रू विच 1944 में ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट ऑसवल्ड एवरी मैक्लिन मैका एंड कॉलिन मैकलियोड प्रूव दैट एक्सेप्ट वायरसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है एज जेनेटिक मटेरियल तो ये तीनों ने मिलके ऑस्वोल्ड मैकलिन मैकार्थी एंड कॉलिन ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलके ये प्रूफ किया कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में छोटी से छोटी बैक्टीरिया से लेके बड़े से बड़े मैमल तक में हर एक इंसान हर एक लिविंग चीज में सेल्स है सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है जो उनका जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड करता है ओके okay? एंड uh, हम पढ़ेंगे फिर। In 1961, तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में भी काफी इंपॉर्टेंट uh, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है उसी के बारे में वो हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है तो एकदम सिंपल है हमारे बॉडी को ग्रो होने के लिए हमारे बॉडी को बढ़ने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है एंड ये प्रोटीन बनाने का काम हमारे सेल्स करते हैं ओके okay? तो प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन फॉर्म करना प्रोटीन बनाना बॉडी के अंदर प्रोटीन बनना ये एक प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल्स तो इन्होंने जेकॉब और जैक ने डीएनए uh, uh, का स्टडी किया बैक्टीरियल सेल्स का एंड पता लगाया कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे काम करता है इट हेल्प टू आपको बोला कि हर एक के अंदर होती है कोड है हम अभी उसके बारे में पढ़ने वाले हैं जल्दी जेनेटिक कोड है वो ही वो कॉपी होता है एंड वो डिवाइड होता है एंड वो बढ़ते जाता है वैसे करके एक ऑर्गेनिज्म बड़ा होते जाता है ओके okay? जेनेटिक so, कोड्स का पूरा डिटेल जेकॉब एंड जैक ने निकाला टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग तो इसी से डीएनए टेक्नोलॉजी निकल आई जिससे हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग निकाला जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है वो आपको समझना है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज समथिंग जिसके अंदर हम लेट्स टेक एन एग्जांपल Uh, हमारे यहाँ पे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन अगर आपको पता हो क्या था तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने पूरे लाइक uh, वर्ल्ड like में सबसे ज्यादा हमने जस्ट uh, ओके okay. पूरे वर्ल्ड में हमने uh, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ व्हीट राइस ये सब चालू कर दिया था दैट वॉज अवर ग्रीन रेवोल्यूशन तो ये कैसे हमने हासिल किया था क्योंकि हमने सीड्स जो यूज किए थे हमने सीड्स जो यूज किए थे वो हाइब्रिड सीड्स थे वो नॉर्मल सीड्स नहीं थे वो हाइब्रिड सीड्स थे तो हाइब्रिड क्या होता है वो समझते हैं सो जेनेटिक इंजीनियरिंग किस चीज में काम आता है हाइब्रिड सीड्स बनाने में काम आता है एनिमल्स हाइब्रिड बनाने में काम आता है तो वो लॉजिक समझते हैं लेट्स टेक एन एग्जांपल वीट का सीड है ओके okay? एक सीड है वीट का जो साइज uh, में ये हम जब उगाते हैं तो ये उगेगा साइज में ये काफी uh, बड़ा होगा बिग सीड्स होंगे ये लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये जल्दी खराब हो जाता है यानी कि हम इसको स्टोर नहीं कर सकते तो ये तो ये ये इजीली पेरिशेबल चीज होगी ठीक है एक इसका गुड फीचर है कि ये बड़े साइज में है लेकिन एक इसका फीचर है कि ये जल्दी खराब हो जाएंगे यानी कि पेरिश हो जाएंगे ओके पेरिशेबल लिख रहा हूं मैं ओके अब दूसरा तरफ हमारे पास सीड्स है जो साइज में स्मॉल है छोटे है साइज में छोटे है लेकिन ये ज्यादा समय तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं यानी कि हमने उसको महीनों सालों तक उसको स्टोर करके रखा तो उसकी ये अच्छी बात है तो अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने क्या किया हमने ये वाले सीड का जीन्स लिया कौन से जिसमें बिग जिसके दाने बड़े हैं और लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो जल्दी खराब हो जाता है तो हमने उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए क्या लिया कि वो बड़े सीड्स का जो जीन कोडिंग है वो हमने लिया और इसमें से हमने कोडिंग ये लिया कि ये ज्यादा समय तक टिक सको हम ज्यादा समय तक इसको हम स्टोर कर सकते वो हमने इससे लिया दोनों को मिक्स करके हमने एक नया सीड बनाया दोनों को मिक्स करके हमने एक नया सीड बनाया जो साइज में भी बड़ा था और जिसको हम ज्यादा समय तक स्टोर भी कर सकते थे तो ये जो नया सीड फॉर्म हुआ विद द हेल्प ऑफ इसका डीएनए और इसका डीएनए तो यही चीज होती है हाइब्रिड इसको हम हाइब्रिड बोलते हैं जिसके अंदर हम इसी दो चीजों का अच्छे फीचर्स को मिक्स करते करते हैं हैं लैब में उसको क्रिएट एंड हम एक बेटर प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये हो गया यू नो सीड्स एंड वेजिटेबल्स में हाइब्रिड करना हमने टमेटो कॉलीफ्लावर्स एंड बहुत वेजिटेबल्स में भी काफी हाइब्रिड किया ताकि हम बड़े यू you नो know, बड़े बड़े वेजिटेबल्स और ज्यादा समय तक जो टिक सके ज्यादा समय तक जो हम लोग स्टोर कर सके वैसी चीजें हमने बनाई ओके okay, हमने एनिमल्स को भी हाइब्रिड किया हुआ है हमने एक लायन एंड टाइगर का हाइब्रिड बनाया था अगर आप नेट पे भी आप देखोगे आपको मिलेगा जिसको हम लिगर कहते हैं जो लायन और टाइगर दोनों से बहुत वास्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा है साइज में और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है ओके okay, और उसके ऊपर उसको उसका लुक लायन जैसा है लेकिन उसके ऊपर टाइगर के स्ट्रिप्स जो होते हैं ब्लैक वो होते हैं तो ये हमने फिर से क्या कर दिया हमने एनिमल्स का हाइब्रिड कर दिया ओके okay? सो so, ये हमने यू नो एनिमल्स एंड प्लांट्स का हाइब्रिड सीखा विथ जेनेटिक इंजीनियरिंग ओके द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिजॉर्डस

हमारा डीएनए का रिसर्च एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो पूरा हमने फील्ड बनाया है साइंस के अंदर माइक्रोबायोलॉजी के माइक्रोबायोलॉजी uh, बोलो या जो भी हमने बनाया है टू स्टडी द जीन्स एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो हमें काम आता है ओके सो दैट वाज द फर्स्ट टॉपिक हेरिडिटी एंड हेरिडेटरी चेंजेस सेकेंड टॉपिक हम अभी करेंगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन ओके सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन ओके नाउ ये समझने के पहले आपको बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो पहले से आपको पता होनी चाहिए तो ही आपको ये तीनों सिंपल से वर्ड समझ में आएंगे ओके ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन ये तीनों पहली बात पूरा प्रोसेस है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस तो हम स्टार्टिंग में बात कर चुके कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है यानी प्रोटीन कैसे बॉडी में फॉर्म होता है उसका ये मेन तीन स्टेप्स है ओके okay? तो पहले आपको ये भी समझना है कि प्रोटीन जो हमारे बॉडी में है वो दैट इज नथिंग बट एमिनो एसिड्स से प्रोटीन बना होता है, पूरे, पूरा प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में वो किससे बना होता है एमिनो एसिड से पूरा बना होता है तो ये आपको लॉजिक समझना है ओके okay? एंड इसको समझाने के लिए इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और स्क्रीन शेयर करूंगा हम डायग्राम के थ्रू और थोड़ा सा यू नो स्केचिंग के थ्रू समझेंगे जो हमें पहले से बहुत बातें पता होनी चाहिए तो लेट मी शेयर दस ओके एज यू कैन यहाँ पे सबसे पहले तो सी कि देखो क्रोमोजोन का शेप हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज द क्रोमोजोन का शेप ओके okay, ये क्रोमोजोन का शेप है एक ओके एंड 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 इसको जैसे हम ब्रेक डाउन करते हैं इसको जैसे हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें डीएनए मिलता है तो ये आपको यहाँ पे समझना है कि क्रोमोजो के अंदर डीएनए होता है एंड हमें ये इसी के अंदर से मिलता है नाउ डीएनए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया डीएनए किस चीज का बना हुआ है डीएनए का हम यहाँ पे बात करेंगे डीएनए ऑलरेडी डीएनए का न्यूक्लियोटाइड एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड किस चीज का बना हुआ है तो अगर आपको वो याद होगा तो आपको अभी हमने बताया था मैंने जैसे बनाया था कि इट इज मेड अप ऑफ शुगर इट इज मेड अप ऑफ अपरस इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फरस एंड इट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस एक बेस होता है एवरी टाइम ओके और इस तरह का शेप जो होता है फॉर्म उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं न्यूक्लियोटाइड कहते हैं सिंगल न्यूक्लोटाइड ओके नाउ यहां पर मैंने बोला था फोर नाइट्रोजेनस बेजेस है तो वो फोर कौन है उसकी पहले हम बात करते हैं दर एडेना साइटोसाइन एंड ग्वानाइन ओके सो ये ये चार दिस इज फोर नाइट्रोजनस बेसिस जो डीएनए के अंदर होते हैं सारा जेनेटिक कोड इसी से बना हुआ है सारे एमिनो एसिड जितने भी एमिनो एसिड है टोटल कितने एमिनो एसिड है हमारे बॉडी में ट्वेंटी एमिनो एसिड्स फॉर्म होते हैं एमिनो एसिड्स कितने बनते हैं हमारे बॉडी में ट्वेंटी ओके okay? तो ये जो ट्वेंटी एम्यूनो एसिड्स बनते हैं वो ये चार के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं ये चार के कॉम्बिनेशन से ही हमारे अंदर एमिनो एसिड्स फॉर्म होते हैं ओके तो डीएनए के अंदर चार नाइट्रोजनस बेस है जिसका नाम है एडेनाइन साइटोसाइन एंड ग्वानाइन अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात बहुत जरूरी बात आपको समझनी है कि एडेनाइन का पेरिंग जोड़ी हमेशा थेमाइन के साथ होता है ए के साथ हमेशा टी ये आपको याद रखना है ए के साथ हमेशा टी पेरिंग होता है ओके एंड साइटोसाइन का पेरिंग हमेशा ग्वानाइन के साथ होता है यानी कि सी के साथ हमेशा आपको जी पैर में मिलेगा ओके okay? सो so ये आपको जोड़ी याद रखनी है ये ए का ऑपोजिट टी है सी का ऑपोजिट जी है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हम इसे कहते हैं तो आपको ये भी बात याद रखनी है ओके तो एक और बार थोड़ा सा हम पे बात कर लेते हैं फिर से कि हमारा ये क्रोमोजोन क्रोमोजोन के अंदर हमने डीएनए निकाला डीएनए का शेप कुछ ऐसा होता है, डबल हेलिक्स शेप जिसको हम बोलते हैं ओके एंड यहां मैंने एक और डायग्राम डीएनए का लिया है यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि देखिए ये डबल हेलिक्स शेप है ये जो रिबन की तरह टर्न होते जा रहा है उसे हम टू स्ट्रेंड ऑफ डीएनए कहते हैं दिस इज कॉल्ड वन स्ट्रेंड ऑफ डीएनए स्ट्रेंड स्ट्रेंड यानी कि एक तरह से हम रिबिन बोल सकते हैं पर ओके okay? और ये दूसरा strand हो गया ओके okay? सो so ऐसे टू ऑफ डीएनए जो ये किसका बना हुआ है ये ये किसका बना है दिस इज मेड अप ऑफ योर फॉस्फरस एंड शुगर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फरस एंड शुगर फॉस्फरस और शुगर का बैकबोन भी इसको बोलते हैं देखो यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा मैंने यहां देखा अभी ये देखो शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन भी इसको बोलते हैं ओके okay? नाउ ये दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में ये दो दो का आपको जो ये पेरिंग दिख रहा है ये दो दो की जोड़ी दिख रही है उसमें एक बेस कौन है देखो एडेनाइन अब भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया एक एडेनाइन है दूसरा थेमाइन है एक ग्वानाइन है दूसरा साइटोसाइन है तो हमेशा आपको ये याद रखना है ए के साथ टी आएगा और जी के साथ सी आएगा ये हो गया डीएनए के अंदर की बात सो so, इस तरह से आपको पहले ये डीएनए की इतनी बेसिक ये एकदम बेसिक डीएनए की इंफॉर्मेशन है बहुत ही सिंपल वो आपको याद रखनी है डीएनए किस चीज का बना है डीएनए का शेप कैसा होता है और उसके अंदर फोर बेसिस में दो दो का जो पेरिंग बनता है दो दो की जो जोड़ी बनती है वो किसके किसके बीच बनती है ओके और ये जैसे कि अभी एक चार्ट आपको ये दिख रहा है ये चार्ट लेटमी जस्ट क्लियर दिस आउट ओके okay, ये चार्ट भी जो आपको दिख रहा है छोटा सा वो मैंने कोडिंग चार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ये अलग अलग जैसे मैंने आपको बोला ट्वेंटी ट्वेंटी एमिनो एसिड्स जो है ट्वेंटी एमिनो एसिड्स जो है ओके okay, वो किससे बनते हैं वो चार हमने जो अभी बेसिस पड़े हैं जो चार बेसिस पड़े हैं उसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं कितने का कॉम्बिनेशन चाहिए एट ए टाइम वो आपको याद रखना एट ए टाइम हमें सिर्फ थ्री को कंबाइन करना है एट अ टाइम हमें किसे कंबाइन करना है एट अ टाइम हमें थ्री को कंबाइन करके एक तीन को कंबाइन करके एक एमिनो एसिड बनता है ओके लेट्स सी दैट यहां पे देखो ये आपको जैसे कि दिख रहा होगा चार्ट में यहां पर एज यू कैन सी इन द चार्ट यहां पर देखिए तीन तीन का जोड़ी आपको दिख रहा है यू 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 फिर देखिए यू यू सी ऐसे करके रैंडम रैंडम सारे प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसको हम बोलते हैं तो चार ये चार जो थे हमारे टोटल ए टी यू जी इसको एट अ टाइम तीन तीन की जोड़ी बना के देखिए यहां पे देखो सब तीन तीन है सब सिर्फ सबके सब यू यू ए यू जी सी यू सी यू सी सी यू ए सीयू जी तो ये तीन तीन की जोड़ी से एट अ टाइम एक एक अमीनो एसिड बनता है यहाँ बाहर जो नाम आपको दिख रहा है ये बाहर जो नाम आपको दिख रहा है ये सारे एमिनो एसिड्स के नाम है ये सारे के नाम है। जो 20 है, ये सारे सारे के के नाम नाम है 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 जो तो ओके सो आपको इतना ये आ, ऐसे सिर्फ समझना है ये बात ये लॉजिक आपको समझना है यहाँ पे ये आपको चैप्टर में याद तो नहीं रखना कहीं पे लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलेशन ये जो हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए ये लॉजिक समझना बहुत जरूरी है ओके ट्वेंटी ट्वेंटी हमारे बॉडी में फॉर्म होते हैं बनते हैं जो प्रोटीन यही एम्यो एसिड ही क्या बन जाते हैं प्रोटीन बन जाते हैं ओके okay? और एम्यूनो एसिड्स का बनने का कोड है एम्योनो एसिड बनने का कोड है कोड कितने लेटर का है थ्री लेटर का है वो थ्री लेटर कितने में से सिलेक्ट होते हैं वो थ्री लेटर सिलेक्ट होते हैं हमारे चार टोटल बेसिस में से तो चार बेसिस हमारे फिर से यहां लिख रहा हूं मैं ए टी सी जी ओके तो ये एकदम सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है आगे बढ़ेंगे ओके ओके सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आरएनए के बारे में आर एन ए क्या है ओके सो आर एन ए यहां पर आपको समझना फिर से ओके राइबो न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ होते हैं एक होता है एम आर एन ए एक होता है टी आर एन एंड एक है हमारा आर आर एन एके सो ये थ्री टाइप्स ऑफ आर एन ए का अलग अलग काम होता है हमारे बॉडी के अंदर ओके okay? तो so, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म इसका मीनिंग समझते हैं एम आर एन ए इज नथिंग बट मैसेंजर मैसेंजर आर एन ए उसको हम बोलते हैं मैसेंजर आर एन ए उसको हम बोलते हैं उसका फुल फॉर्म है मैसेंजर आर एन टी आर एन ए जो आपको मिलता है दैट इज ट्रांसफर ट्रांसफर आर एन ए ट्रांसफर कर रहा है ट्रांसफर आर एन ए टी आर एन ए आपसे बोलूंगा राइबोसोमल आर एन एके तो ये आपको नेमिंग याद रखने हैं ठीक है ट्रांसफर आर राइबोसोमल आरएनए एन ए मैसेजर ये तीन आरएनए का अलग अलग काम है हमारे बॉडी में ओके, okay? so, उसकी हम बात करेंगे अब यहाँ पर कि ये तीनों का क्या काम है ओके okay? सो so, एक और चीज इसके लिए पहले आपको पता होनी चाहिए ये कि सिंगल स्ट्रेंड का बना है जैसे कि डीएनए हमारा टू टू स्ट्रेंड्स का बना है ओके टू स्ट्रेंड्स को अः हेलिक्स शेप दिया हुआ है दिस इज ए हेलिक्स शेप ये जो शेप है डीएनए का जो शेप है इसको हेलिक्स शेप कहा जाता है ओके okay? सो so, आरएनए जो है हमारा आरएनए जो है वो सिंगल सिंगल स्ट्रैंड का बना हुआ होता है सिंगल स्ट्रैंड का बना हुआ होता है ओके okay? एंड उसके ऊपर भी उसके ऊपर भी बेसिस लगे हैं नाइट्रोजिनस बेसिस इसके ऊपर भी लगे हुए हैं ओके okay? अब इसके ऊपर बेसिस कौन से लगे हैं उसकी बात करते हैं जैसे यहां पर फोर बेसिस थे डीएनए के अंदर फोर बेसिस थे ओके फोर बेसिस थे एआरएओ ओके okay? वैसे यहां पर भी फोर बेसिस है जिसमें से तीन सेम है तीन इसके अंदर सेम है एडनाइन ग्वानाइन साइटोसाइन आरएनए के अंदर तीन बेसिस सेम है जो हमारे डीएनए में हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे फोर्थ बेस अलग है फोर्थ बेस यहाँ पे यूरासिल है फोर्थ बेस यहाँ पे कौन है यूरासिल है यूरासिल ओके okay? ये सारी चीज हमको नाइन्थ में थी इसीलिए आपको ये यू uh, नो you know, पता होना चाहिए ज्यादा डिटेल में लेकिन आई एम श्योर कि हम यू नो चीजें याद नहीं रखते हैं एंड पढ़ते भी नहीं है ठीक से तो मैं उसका फिर से पूरा रिविजन दे रहा हूँ ताकि अभी जो हमारा मेन टॉपिक है आज का ट्रांसक्रिप्शन वाला वो आप बहुत इजीली समझ जाओ ओके सो लेट्स अगेन टॉक आर सिंगल स्ट्रेंड का बना है उसमें भी फोर फोर नाइट्रोजनस बेस है जिसके अंदर से तीन पहले वाले जो डीएनए में है वो सेम है बस एक यूरेसिल है तो इसमें आपको ये चीज समझनी है कि यहां पर ए के साथ यू कंबाइन होता है जी और सी तो जैसे पहले था वैसे ही रहेगा जी और सी जैसा था वैसा ही पेयरिंग रहेगी जोड़ी उनकी नहीं टूटेगी लेकिन ए के साथ पहले कौन था थेमाइन था पहले कौन था डीएनए के अंदर थेमाइन था तो उसकी जगह यहाँ पे कौन आ जाता है यूरासिल आ जाती है ये भी आपको लॉजिक समझना है पहले ठीक है नाउ अब ये दोनों चीज कैसे हमारे टॉपिक से रिलेटेड कैसे है प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे काम आते हैं एंड कैसे आर एन डीएनए का क्या रिलेशन है वो अब हम बात करेंगे ओके लेट मी क्लियर द स्क्रीन अगेन नाउ पहले ये स्टोरी समझिए आप हमारा जो सेल है हमारा जो सेल है ओके आई एम मेकिंग रफ फिगर तो प्लीज ज्यादा डायग्राम को दिल पे मत लेना इसके अंदर न्यूक्लियस है ओके okay, एंड यहां बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स है ओके okay? ये सारी चीजें बेसिक आप पहले ही पढ़ चुके हो ऑर्गेनल्स है अलग अलग ये है हमारा न्यूक्लियस ओके okay? न्यूक्लियस के अंदर है हमारा डीएनए ओके okay? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है डीएनए न्यूक्लियस की वॉल को पार करके बाहर नहीं जा सकता है ये लॉजिक आपको समझना है न्यूक्लियस की जो वॉल है वॉल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं ठीक है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं हम उसको क्रॉस करके उसके पोर्स में से डीएनए बाहर नहीं जा सकता है क्रोमोजो बाहर नहीं जाएगा ओके okay? लेकिन सेल डिवीजन के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन बाहर जाना जरूरी है एंड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी डीएनए के पास कोड है जो हमारा चार ये जो है ये जो चार है इसी से हमने देखा कि अमीनो एसिड बनते हैं इसी से हमने देखा कि अमीनो एसिड बनते हैं इन शॉर्ट प्रोटीन सिंथेसिस इसी से होता है ओके okay? इसी से हमारा काम होता है और ये इंफॉर्मेशन कौन लेके बैठा है ये इंफॉर्मेशन डीएनए लेके बैठा है और डीएनए कहां पर है डीएनए यहां पर न्यूक्लियस के अंदर है ओके okay? अब प्रोटीन को बनाने की मशीन जिसको हम बोल सकते हैं प्रोटीन का कोड डीएनए के पास है लेकिन उसको बनाने का काम एक्चुअल में कौन करता है हमारा एक्चुअल में वो काम यहां पर बाहर होता है न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्गेनल है हमारा जिसको हम बोलते हैं राइबोसम यहां पर मौजूद है उसका कुछ शेप हम ऐसा फिलहाल देखेंगे ओके बहुत ही अजीब सा शेप है ओके इसके दो पार्ट्स है वो भी आपको समझना है ये लाइक ओपन क्लोज होता है कैप्सूल की तरह ओपन क्लोज होता है ठीक है तो राइबोसोम यहां पर बाहर है और डीएनए के पास कोड अंदर है डीएनए बाहर आ नहीं सकता राइबोसोम अंदर जा नहीं सकता ये लॉजिक आपको समझना है ओके राइबोसोम मशीन है जो प्रोटीन एक्चुअल में अमीनो एसिड्स बनाएगी लेकिन उसका कोड उसका की उसका मेन कोड डीएनए के पास है जो न्यूक्लियस के अंदर है तो इसके अंदर पिक्चर में आता है हमारा आरएनए आरएनए के जो तीन टाइप है उसमें से पहला मैसेजर आर एन जो है वो सबसे पहला काम करता है ये जो है ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के साथ बनता है ओके डीएनए के पास वो जाता है वहां से फॉर्म होता है और वो न्यूक्लियस से बाहर ट्रैवल कर सकता है न्यूक्लियस के बाहर निकल जाता है और वो राइबोसम से मिलता है तो ये लॉजिक भी आपको समझना है पहले तो मी जस्ट शो यू अ डायग्राम एंड ऑल्सो टेल यू ये कैसे काम करता है क्लियर दिस थिंग्स एज यू कैन सी ये एक सेल का क्रॉस सेक्शन फिगर है ओके okay? ये सेल का क्रॉस सेक्शन फिगर है यह आपका न्यूक्लियस है ओके ये आपका न्यूक्लियस है ओके okay? ये आपका डीएनए है डीएनए okay? है, DNA है. और ये आपका देखो ग्रीन कलर का जो आपको दिखता है ये ग्रीन कलर का जो है दैट इज योर सिंगल स्ट्रेंड ऑफ आर एन ए दैट इज एम आर एन ए कौन सा आर एन एम आर एन ए दसेंजर आरएनए ना जो हमें मैसेजर आर एन ए क्या करेगा मैसेज लेने वाला है वो ठीक है वो डीएनए से कोड उसका जो डीएनए के पास जो कोड है जिससे अमीनो एसिड बनेंगे जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होगा वो कोड मैसेजर आर एन ए लेगा वो मैसेज लेता है इसलिए उसका नाम मैसेजर आरएनए है ओके okay, सो so, वो कैसे काम करता है वो देखेंगे हम तो डीएनए ट्रेंड जो है डीएनए ट्रेंड में यहाँ पे बनाऊंगा बनाने की कोशिश करूंगा एक्चुअली ओके सो मैंने यहाँ पे डीएनए हल्का सा बना दिया है ओके okay, नाउ ये मैंने दो कलर इसलिए अलग अलग किया है रेड और ब्लैक आप समझ पाओ दो स्ट्रेंड हैं हमारे पास सो so, इस डीएनए के साथ एक और चीज मौजूद है अंदर न्यूक्लियस के अंदर दैट इज आरएनए एन ए पॉलीमरस आर एन ओके okay. ये एक एंजाइम है ये एक तरह का एंजाइम है हमारे बॉडी में जो आरएनए एमआरएनए को फॉर्म करता है आरएनए बनाते जाता है और ये पूरे प्रोसेस को स्पीड कैटलिस्ट का काम करता है स्पीड अप कर देता है जिसके अंदर ये डीएनए की स्ट्रेंड को ओपन कर देगा ये डीएनए की स्ट्रेंड को एक तरफ की स्ट्रेंड एक तरफ का जो स्ट्रेंड है लेथ से इसके अंदर ये जो रेड वाला स्ट्रेंड है वो ओपन हो जाएगा तो कैसा दिखेगा यहां पर यहां पर रेड वाला स्ट्रेंड इसका ओपन हो जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा ये जिसके ऊपर एक तरफ ही ये बेजिज होंगे अलग अलग ठीक है ये बेजिस आपको पता है कौन से है राइट right? ये बेजिस क्या होंगे ए सी जी टी ओके कुछ भी सीक्वेंस में हो सकते हैं जरूरी नहीं है कि ए के बाद सी ही होना चाहिए कुछ भी हो सकता है ओके okay? इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ही होने वाला है ओके okay, यही पूरे कोडिंग्स होने वाले हैं सो ये एक तरफ का स्ट्रैंड डीएनए का ओपन होता है और आरएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर लग जाता है आरएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर लग जाता है ओके okay, आरएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर लग जाता है एंड दूसरे तरफ से दूसरे साइड से दूसरे साइड से आई एम गोना टेक अ डिफरेंट कलर दूसरे साइड से वो मैसेंजर आरएनए फॉर्म करने लगता है मैसेंजर आरएनए बनाने लगता है मैसेंजर आर एन ए फॉर्म होता है जिसके अंदर यहां जो भी कोड है यहां पर जो भी कोड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी होने लग जाता है मैसेज में यहां पर उसका कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी होता है या, याद रखो कॉम्प्लीमेंट्री क्यों यहां पे वर्ड जरूरी है सी के सामने सी के सामने कॉम्प्लीमेंट्री में कौन होना चाहिए जी होना चाहिए ओके एंड ए के सामने टी होना चाहिए लेकिन याद रखो डीएनए के अंदर थेमाइन है ठीक है आरएनए के अंदर थेमाइन की जगह कौन था यूरासिल है तो जब यह काम होता है तो जब देखिए यहां पे पहला समझो सी सी कॉपी हो रहा था तो सी के सामने यहां पे क्या आएगा जी आएगा जबकि यहां पर ए था यहां पर ए की सामने टी नहीं आएगा यहां पर यू आएगा दैट इज यूरासिल का कोडिंग फॉर्म होगा क्योंकि ये आर एन ए है ओके फिर जी है तो सी होगा फिर से ए आया तो यू होगा ओके फिर टी आया अब देखो टी का ऑपोजिट ए था तो इधर ए आ जाएगा तभी ओके जी का फिर से सी होगा ए का फिर से यू ए का फिर से यू इस तरह से ये के ऊपर ये कोडिंग आ गई ये आपको लॉजिक समझना है कि मैसेजर आ के ऊपर ये कोडिंग न्यू कोडिंग फॉर्म कर दी हमने तो ये पूरा मैसेजर आरएनए कोड के साथ रेडी हो गया ओके ये हमारा मैसेजर आरएनए जो है कोड के साथ रेडी हो गया जिसके ऊपर चार फिर से कोडिंग किस चीज की बनी है ए सी जी और यू ओके ये आपको याद रखना है तो इसका अलग 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 फिर से सीक्वेंस रैंडम होगा ये और ये मैसेंजर आ रहे अब न्यूक्लियस के बाहर जाएगा ओके okay? तो सबसे पहले ये जो पूरा प्रोसेस हुआ जिसके अंदर डीएनए का एक स्ट्रेंड अलग होता है मैसेजर आर फॉर्म होता है और ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री कोड उसने बना लिया कॉपी कर लिया इसको कहते हैं हमारा पहला प्रोसेस जिसका नाम था ट्रांसक्रिप्शन तो इसको क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं ओके okay? देखिए मैंने स्टोरी की तरह आपको पढ़ा दिया आपको फिर समझने का और कुछ जरूरत नहीं आप फिर खाली टेक्स्ट बुक का सिर्फ रीडिंग करोगे तो अपने आप ये पूरी बात समझ में आएगी टेक्स्ट बुक का रीडिंग कम से कम आपको पांच से छह बार वो लाइनें पढ़नी पड़ेगी ताकि ये जो मैंने कहानी आपको बताई ये जो स्टोरी समझाई वो आप वर्ड टू वर्ड समझ सके और वर्ड्स का इस्तेमाल कर सके क्योंकि बहुत टेक्निकल वर्ड्स उसमें यूज हुए हैं बार बार पोलिमेरस आरएनए ट्रांसक्रिप्शन आरआरएनए ये सब वर्ड्स जब आते हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है तो आप ये स्टोरी समझिए सेल है सेल के अंदर न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है डीएनए बाहर नहीं जा सकता है डीएनए के पास हमारा कोड है जिससे प्रोटीन बनेगा जिससे अमीनो एसिड बनेगा अमीनो एसिड बनाने की मशीन बाहर है जो हम राइबोसोम जिसको हम बोलते हैं ओके सो so, यहां का न्यूक्लियस से बाहर कोड कौन लेके जाएगा तो मैसेंजर आरएनए हमारा ये काम करेगा नाउ कैसे करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज जो है जो न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए के साथ वो जुड़ेगा और आरएनए फॉर्म होते जाएगा आरएनए किस तरह से फॉर्म होता है तो डीएनए की एक स्ट्रिप अलग हो जाती है उसके ऊपर जो कोडिंग लगी रहती है वो कोडिंग का ऑपोजिट यानी कॉम्प्लीमेंट्री बेस सामने आरएनए के ऊपर बनते जाएगा एंड मैसेंजर आरएनए तैयार हो जाएगा यही प्रोसेस को क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं स्क्रिप्ट ट्रांसफर हो गई, यूज करें तो आपको ज्यादा आसान लगेगा सो दैट वॉज अवर फर्स्ट स्टेप फर्स्ट प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन एक और बार इसको सिंपल डायग्राम में यहां पे देखेंगे ये रहा आपका डीएनए डीएनए से देखो ये एरो फॉर्म हुआ ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ और ये आपका मैसेंजर आरएनए बन गया नेक्स्ट स्टेप में मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के बाहर जाएगा तो अब आगे की स्टोरी पढ़ते हैं ओके लेट मी क्लियर द स्क्रीन अगेन सो हमने ट्रांसक्रिप्शन देख लिया हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ओके okay, ट्रांसक्रिप्शन यानी स्क्रिप्ट कॉपी कर देना डीएनए के अंदर से कोड कॉपी हो जाना मैसेजर आर एन ए के अंदर उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं नेक्स्ट हमारा है ट्रांसलेशन अब ये मैसेज जो है ये कोड मैसेज जो है जो मैसेजर आर एन ए कैरी कर रहा है न्यूक्लियस को क्रॉस करेगा न्यूक्लियर पोर में से बाहर निकलेगा और साइटोप्लाज्म के अंदर जाके राइबोसम को मिलेगा राइबोसम पहले ही मैंने बताया इट इज दैट मशीन हम बोल सकते हैं जो एक्चुअल में प्रोटीन बनाएगी एक्चुअल में अमीनो एसिड्स बनाने वाली है ये कोड जो उसको मिला है वो कोड को वो डी करेगी ये जो हमें डीएनए से कोड मैसेजर आरएनए लेके आ रहा है उसको डी करेंगे और वो एमिनो एसिड्स बनाएगी ओके तो वो प्रोसेस अब हम देखने वाले हैं जिसको हम ट्रांसलेशन बोलेंगे ओके सो तो इसकी अब हम स्टोरी देखते हैं नाउ इसको समझने के लिए हमारा सेकेंड आर आपको याद रखना है हमारे आर के टाइप्स जो है मैसेजर आर एंड हमारा सेकेंड जो था टी आर एन एट इज ट्रांसफर आर एन एके टी आर एन ए ट्रांसफर आर एन ए ये पहले समझते हैं टी आर एन ए क्या करता है इस प्रोसेस के अंदर कौन कौन इंक्लूड है तो इस प्रोसेस के अंदर ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर हमारा कौन कौन आने वाला है कैरेक्टर्स कौन है इस बार हमारे कहानी के टी आर एन ए एम आर एन ए जो न्यूक्लियस से क्रॉस होते हुए सबसे लड़ते हुए हमारे पास बाहर आ जाएगा एंड राइबोसम को मिलेगा सो so, ये मेन तीन कैरेक्टर है हमारे जो हमें ट्रांसलेशन में हेल्प करने वाले हैं ओके सो नाउ इसको इसका प्रोसेस समझते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं टी आर एन ए की तो टी आर एन ए का थ्री डी जैसे आप यहां पे देख सकते हो थ्री डी फिगर कुछ ऐसा होता है ओके okay, रियल में तो ये इससे भी अजीब दिखेगा हम शायद पता भी ना लगा पाए कैसा दिखे वो ओके okay? सो uh, so उसका टू डी फिगर यहां पर समझना है कि ये सिंगल स्ट्रेंड है पूरा ये पूरा सिंगल स्ट्रेंड है जिसके अंदर आपको समझना है कि ये जो लास्ट एंड है यहां पर एंड जो है यहां पर हमेशा आपको ए सी सी ये ही कोड मिलेगा आपको याद है ए सी सी क्या है दैट इज एडेनाइन साइटोसाइन साइटोसाइन तो ये आपको याद होना चाहिए ये ए क्या है एडेनाइन हमारे जो फोर नाइट्रोजन बेस थे उसमें से ये दो के नाम यहाँ पे देखो एडेनाइन और साइटोसाइन साइटो यहां पर हमेशा लास्ट में ए सी सी ही मिलेगा ओके ये अमीनोसाइड अटैचमेंट साइट भी है ये क्या है वो हम अभी जस्ट डिस्कस करेंगे पहले अब पहले नीचे देखते क्या है नीचे यहां पर होंगे हमेशा एंटीकोडॉन यहां पर नीचे ये जो तीन होंगे ये तीन जो भी होंगे वो हमारे होंगे एंटी कोडॉन तो पहले अब ये टर्म समझते हैं एंटी कोडॉन क्या है एंटी कोडॉन समझने के लिए आपको पहले समझना है कि कोडॉन क्या है तो जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका था कि अमीनो एसिड्स बनने के लिए तीन तीन का कोडिंग चाहिए तीन तीन का पैर चाहिए याद है तीन तीन का जोड़ी चाहिए था हमें U C G कोई भी तीन तीन का पेरिंग से हमें क्या बनता था अमीनो एसिड फॉर्म होता था राइट तो ये जो तीन की जोड़ी है ना इसी को हम कोडॉन कहते हैं जब जिसको मैं कब से कोड कह रहा हूं उसको हम क्या कहते हैं उसका हम टेक्निकल साइंटिफिक नेम यहां पर क्या है कोडॉन है अब कोड को रीड करने के लिए कोड को समझने के लिए हमें उसे डी करने के लिए हमें ऑपोजिट चाहिए तो इसलिए उसको ऑपोजिट क्या है एंटीकोडॉन तो ये एंटीकोडॉन हमारा यहां पर अटैच होगा किसके पास अटैच है ये कौन है दिस इज योर टी आर एन तो ये लॉजिक फिर से समझो फिर से ध्यान दो कंफ्यूजिंग हो रहा है ध्यान दो पे फिर से मैसेंजर आर एन ए के ऊपर बहुत सारे तीन तीन की जोड़ी में तीन तीन की जोड़ी में हमारे सारे चार बेसिस है कौन से बेसिस है मैं फिर से लिख रहा हूं ए सी जी यू आरएनए है तो यू नॉट टी ओके यू ऐसे करके ए सी जी यू ए सी जी यू ऐसे करके बहुत सारे ये मैसेजर आरएनए में है तीन तीन की जोड़ी तीन तीन की जोड़ी में इसको कोडॉन कहते हैं इसी कोडॉन को रीड करने के लिए इसको डी कोड करने के लिए ट्रांसफर आर एन ए के पास यहाँ पर एंटी कोडॉन मौजूद है ट्रांसफर आरने के पास यहाँ पर एंटी कोडॉन मौजूद है तो ये लॉजिक आपको समझना है पहले इसका शेप ऐसा आपको समझना है आपके टेक्स्ट बुक में इसीलिए ऐसे ही शेप का वो लोग ने बहुत ही ब्लर सा डायग्राम दिया हुआ है इसलिए मैंने ये अलग से डायग्राम निकाले हैं यहाँ पर तो ये आपको लॉजिक समझना है तो हमने ट्रांसफर आरएन ए समझ लिया ट्रांसफर आर एन ए क्या करने वाला है ये एक्चुअल में कोड को डी कोड करके ट्रांसफर करेगा कोड को डी करेगा और ट्रांसफर करेगा इसीलिए ये प्रोसेस का नाम ट्रांसलेशन है ओके okay? जनरली हम ट्रांसलेशन में वही करते हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो डीएनए का कोड जो मैसेजर आर लेके आ रहा था उसको कोड को डी करेगा एंटी कोड ऑन के हेल्प से कौन करेगा ये काम हमारा यहाँ का पहला कैरेक्टर दैट इज ट्रांसफर आर एन ए टी आर एन ए करेगा मैसेजर आर एन ए का रोल इसको आ, आपको ऑलरेडी समझ में आ गया कि ये दोनों का रोल साथ में क्या हो गया अब ये सब कहा होगा ये सब राइबोसम के अंडर होगा ये सब किसके अंडर होगा ये सब राइबोसम के अंडर राइबोसम का शेप हम अभी देखेंगे एक उसमें राइबोसम उसके ऊपर अटैच होगा मैसेजर आर के ऊपर राइबोसम अटैच होगा एक तरफ से हमारा टी आर एन ए आएगा एंटी के साथ और कोड को रीड करेगा और जो भी कोड होगा उसके बेस पे वो एक अमीनो एसिड फॉर्म करेगा ओके इस तरह से एमिनो एसिड का पूरा चेन बन जाएगा एमिनो एसिड का पूरा चेन बन जाएगा ओके एमिनो एसिड का पूरा चेन बन जाएगा गे? तो इस अमीनो एसिड के चेन को हम पेप्टाइड चेन भी कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं आपके बुक में ये नाम आपको मिलेगा पॉली चेन क्या मिलेगा आपको नाम पॉली चेन बोलते हैं इसको एमिनो एसिड के चेन को हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं ओके सो so, ये पूरा अब हम डायग्राम से एक और डायग्राम से सीखते हैं इसको मैं क्लियर कर देता हूं ओके सो लेट सी दिस डायग्राम अब ये डायग्राम देखिए ये डायग्राम बहुत ही सिंपल सा फिर से फिर से एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं पूरा कैसे आते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है न्यूक्लियस की वॉल में से ये देखिए बाहर ये डीएनए ये देखिए डीएनए यहाँ पर डीएनए ये क्रोमोजोन डीएनए डीएनए के अंदर से यहाँ पर आर एन एसेंजर आर ये कौन है मैसेजर आरएनए देखो ये फॉर्म हुआ इस प्रोसेस को हमने क्या बोला हमारा पहला प्रोसेस क्या था ट्रांसक्रिप्शन था क्या प्रोसेस था वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस था ये फिर बाहर आ जाएगा ये बाहर आने के बाद देखो ये रहा बाहर आने के बाद ये रहा मैसेजर आर ठीक है अब इसको देखो ये ग्रीन स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है ये ग्रीन स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है वो है हमारा राइबोसम इसको ही हम बोलते हैं राइबोसम ओके उसमें ये नीचे का पार्ट अलग से आता है ये ऊपर का पार्ट अलग से आता है और ये बीच में यहां से पास होता है हमारा मैसेजर आ रए इसके ऊपर देखो ये सारे कोड लगे हुए तीन तीन की पेयरिंग आपको दिख रही होगी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीन तीन की जोड़ी है सबकी सब तीन तीन की जोड़ी है ये कोई भी कोडिंग हो सकती है यू ए ए सी जी ए ये कोई भी फॉर्म में हो सकता है ओके राइबोसम उसके ऊपर आ जाएगा राइबोसम आते ही यहां पर देखिए यहां पर देखिए यहां पर से टी आर ए इस शेप का जो हमने देखा इस तरह का कुछ शेप था नीचे उसके क्या था नीचे उसके क्या था एंटी कोडॉन था नीचे उसके क्या था एंटी कोडॉन था ये आपको याद रखना यहाँ पे तीन क्या है ये एंटी कोडॉन था यहाँ पर ये यह तीन आपको दिख रहा है हल्का हल्का सा वो अब आता है एक अमीनो एसिड के साथ यहां पर अटैच होता है अटैच होके वो कोड को रीड डी करता है रीड करके डी करता है और एक एक चेन में ऐड करते जाता है इसलिए यहां पे वो लोग ने देखो ये चेन क्रिएट किया है यहां पर ये अमीनो एसिड का चेन क्रिएट किया है जैसे 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 ये ग्रीन जो है आगे बढ़ते देखो ये डायरेक्शन दिया हुआ है ये जैसे जैसे इस तरफ डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएगा एम आर एन ए के ऊपर आगे लाइन में बढ़ते जाएगा आगे आगे बढ़ते जाएगा वो तो चेन फॉर्म होते जाएगी जिसमें ये अमीनो एसिड ऊपर फॉर्म होते जाएगा ठीक है तो एम आर एन ए के अंदर एक स्टार्ट पॉइंट होता है एक एंड पॉइंट होता है स्टार्ट पॉइंट से वो चालू होता है मूव होने लगता है मूव होता है मूव होते होते वो ऊपर की तरफ अमीनो एसिड बनाते जाता है ऊपर की तरफ वो अमीनो एसिड बनाते जाता है जैसे ही वो एंड एंड पॉइंट तक पहुंचता है टर्मिनेट हो जाता है सब कुछ खत्म हो जाता है सब कुछ अलग हो जाता है और एमिनो एसिड जो पूरा है वो एमिनो चेन जो है वो हमारा प्रोटीन जो है वो फॉर्म होता है ये पूरा प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस जिसको हम बोलते हैं जिसके अंदर पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके बाद जो टी आर एन ए ने आके कोड को रीड किया उसको ट्रांसलेशन कहते हैं और जो एक के ऊपर चेन फॉर्म होते जा रही थी ये देखिए पे फिगर पे एक के ऊपर एक ये फॉर्म हो रहा है ग्रीन ऑरेंज येलो ब्लू ये जो एक के ऊपर एक चेन ये जो सर्कल फॉर्म होते जा रहा है ये जो ऐसे सर्कल फॉर्म होते जा रहा है तो ये जो हो रहा है ना इसको ही थर्ड प्रोसेस हमारा कहते हैं सिंपल सा ट्रांसलोकेशन इसको क्या कहते हैं हमारा जो थर्ड प्रोसेस है जिसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन तो इस तरह से आपका ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए के अंदर हमने ट्रांसक्रिप्ट किया स्क्रिप्ट को ट्रांसक्रिप्शन आर एन ए बाहर आ गया आर एन ए बाहर आने के बाद राइबोसम ने जो हमारी प्रोटीन मेकिंग मशीन है उसने उसको पकड़ा फिर टी आर एन ए आता है एंटी कोडॉन को लेके कोड को रीड करने के लिए हमें कुछ चाहिए तो एंटी कोडॉन को लेके आता है और एमिनो एसिड एक एक फॉर्म करते जाता है एक एक चेन बनाते जाता है तो ये जो चेन एक के ऊपर अटैच जो होते जा रही है जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है और एक एक आते जा रहा है हमारा टी आर एन ए तो ये प्रोसेस में जो चेन को ज्वाइंट करता है उसी को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन तो इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड है आ, लेकिन आप समझिए लॉजिक अगर आप बेसिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखेंगे इसका आप डीएनए का पूरा जो मैंने स्टार्टिंग में डिटेल बताया आरएनए का डिटेल आप चाहे तो और खुद आपके बुक में ज्यादा नहीं दिया है आपको नाइन्थ में ज्यादा दिया था इसलिए आपके बुक में करंट टेक्स्ट बुक में आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं दिया हुआ है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जितना खुद से हो सके और इसके बारे में रीड करेंगे जितना उतना और हो हो जाएंगे जाएंगे ये वर्ड्स यूज करने से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलोकेशन तो ये सब वर्ड्स को फेमिलियर हो जाएंगे आप एक बार तो आप ये इजी से स्टोरी समझ जाएंगे ये स्टोरी फॉर्म में मैंने इसीलिए बताया ताकि आपको ये पूरा प्रोसेस याद रहे उसी प्रोसेस में अलग अलग पार्ट्स में इनके नाम थे एक बार पूरा टेक्स बुक रीडिंग के साथ इसको पूरा याद करते हैं एंड दैट वुड बी अवर फाइनल लेट मी शेयर दुक वि रीड इट फाइनली ओके रीड करते इसको हम थोड़ा यहां डायरेक्ट पूरा दिया हुआ है इट इज अज्यूम्ड कि आपको डीएनए के बारे में पता है आपको आरएनए के बारे में पता है आरएनए के टाइप्स पता है आपको ये सारी चीजें पता है ये अज्यूम करके ये आपको रीडिंग करने के लिए दिया हुआ है सिर्फ एक पेज में ये टॉपिक पूरा वो लोग ने खत्म किया हुआ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओके okay? सो so ध्यान देंगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन विद द हेल्प ऑफ आर एन की मदद से द जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए जो डीएनए के पास जीन्स थे जो कोड था डीएनए के पास

सो फॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन द डीएनए तो ये हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं अब आपको सब कुछ सारी स्टोरी को याद रखना है सारी बातें याद रखनी है द इनफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन द डीएनए डीएनए के पास है वो एंड सिंथेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटीन एज पर द रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर द बॉडी तो ये तो सिंपल है कि एप्रोप्रिएट प्रोटीन यानी कि वो जो कोड है अमीनो एसिड का सही कोड होना चाहिए कोई भी कोड नहीं हो सकता एमिनो एसिड का कोई परफेक्ट कोड होगा तो ही वो एमिनो एसिड बनेगा वरना वो नहीं बनेगा जैसे कि वाटर को बनाने के लिए मुझे एच टू ओ ये कोड चाहिए मैं इधर एच ओ करूंगा तो वाटर नहीं बनेगा एच ओ टू करूंगा तो वाटर नहीं बनेगा तो ये मुझे परफेक्ट एच टू ओ करूंगा तभी वाटर बनेगा वैसे जब मैंने ऑलरेडी हमने देखा था कोड मैं फिर से आपको बताऊंगा स्क्रीन के ऊपर तो वो कोड जो हमने देखा था Uuc, CAU, ये जो कोड था तो ही अमीनो एसिड फॉर्म होगा तो यहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि एस पर द रिक्वायरमेंट एप्रोप्रिएट प्रोटीन बनना चाहिए आगे बढ़ते हैं आर थ्रू तो ये यहाँ पे एक सिंपल एक सी लाइन में क्या कह दिया वो लोग ने कि ये जो इंफॉर्मेशन है डीएनए के पास से आर एन ए में कैसे जाता है वो हम बताएंगे दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोगमा अच्छा ये चीज को पहले तो क्या बोलते हैं सेंट्रल डोगमा ये आ, मैंने बताया नहीं था आपको पहले सेंट्रल डोगमा यानी कि डीएनए जो आरएनए को प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन देता है इसको हम सेंट्रल कहते हैं नाउ मैसेजर आरएनएजर प्रोड्यूस एस स्टार्टिंग में मैंने बताया था तो ईच न्यूक्लोटाइड ईच न्यूक्लोटाइड आपको याद रखना है डीएनए का ईच न्यूक्लोटाइड जिसके ऊपर एक एक बेस लगा था ए सी जी तो ईच न्यूक्लोटाइड यानी कि शुगर शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट का ये ईच का शेप आपको याद रखना होगा स्टार्टिंग में मैंने बताया था तो ईच न्यूक्लोटाइड इन एम आर एन ए बींग प्रोड्यूस इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री देखो मैंने यह भी आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री होगा कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होगा ए के सामने ए के सामने क्या बनेगा यूरसिल बनेगा आर एन ए के अंदर जी के सामने क्या बनेगा साइटोसाइन बनेगा साइटोसाइन के सामने क्या बनेगा ग्वानाइन बनेगा एंड टी के सामने क्या बनेगा ए बनेगा तो ये आपको समझना है कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया हम रिविजन कर रहे खाली अभी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द डीएनए ट्रेंड यूज फॉर सिंथेसिस इसके अलावा इज असिल देखो यहाँ पे आ गया यूरासिल यूरासिल इन आर एन ए इंस्टेड ऑफ थे तो थेमाइन की जगह पे यूरासिल है दिस प्रोसेस ऑफ आर एन ए सिंथेसिस यही जो प्रोसेस है जिसके अंदर आर एन ए बनता है सिंथेसाइज का मतलब समझ जाओ कोई भी चीज फॉर्म होना कोई भी चीज फॉर्म होना इस कॉल्ड सिंथेसाइज कोई चीज बनना फॉर्म होना इस कॉल्ड सिंथेसाइज ओके ओके सो सिंथेसाइज तो ये जो आर एन ए सिंथेसाइज का प्रोसेस है उसी को हमने क्या बोला पहला प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन बोला ओके okay? डीएनए से ट्रांसक्रिप्ट हो गया आरएनए पे आगे बढ़ेंगे नाउ देखो यहां पे फिगर में भी वो लोग ने बताने की कोशिश की ये डीएनए आपके दो स्ट्रैंड है डीएनए के दो स्ट्रैंड है जिसके अंदर एक तरफ से देखो ये मैसेजर आर एन फॉर्म होते निकल रहा है ये पूरा उसको कवर करता है कौन कवर करता है उसको आर एन कवर करता है एंजाइम है ये और देखो ये डीएनए ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म होते जा रहा है मैसेंजर आरएनए ये रहा आपका मैसेजर आ रहा यहाँ पे अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ आपके टेक्स्ट बुक्स में ओके दिस इज योर मैसेजर आर ये आपका दो डीएनए का स्टैंड हो गया ओके लेट्स रीड अगेन मैसेजर आ रहे हैं फॉर्म इन द न्यूक्स कम्स इन साइटोप्लाजम से बाहर आ जाता है साइटोप्लाजमता इन द कोडेड मैसेज ये कोड मैसेज लेके आता है ओके फ्रॉम द डीएनएम द मैसेज कंटेन द कोड फॉर एमिनो एसिड ये किसके कोड है भाई ये क्या ये कोड क्या करने में हेल्प करते हैं ये कोड एमिनो एसिड बनाने में हेल्प करते हैं ये कोड एमिनो एसिड बनाने में हेल्प करते हैं द कोड फॉर ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट ऑफ अ थ्री न्यूक्लियोटाइड तो हम ये भी जान चुके हैं कि एमिनो एसिड बनाने के लिए कितने कोड चाहिए होते हैं एट अ टाइम हमें थ्री चाहिए होते हैं एट अ टाइम हमें थ्री चाहिए होते हैं कोई भी थ्री हो सकते हैं वो आपस में ओके okay? कोई भी थ्री हो सकते हैं वो तो एट अ टाइम थ्री चाहिए होते हैं ओके okay? उसे क्या कहते हैं कोडॉन ट्रिपलेट तीन यानी ट्रिपलेट ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं उसको ठीक है नाउ आगे क्या इन्फॉर्मेश दिया है डॉक्टर हर गोविंद खुराना साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज मेड एन इंपॉर्टेंट इन द डिस्कवरी ऑफ ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट्रीब्यूशन ट्वेंटी आपको ये बात बता दी है कि ट्वेंटी हमारे बॉडी में और ये डॉक्टर हर गोविंद खुराना जी ने हमारे यहाँ पे ये चीज फाइंड आउट की थी ये तीन तीन कोडिंग के बेस पे अमीनो एसिड बने हैं ये इन्होंने रिसर्च करके फाइंड किया था और उनको उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था 1968 में तो ये इन्फॉर्मेशन आपको फिलप् वगैरह में आ सकती है नाउ ईच एमआरएनए हमारा प्रोसेस यहां से फिर से चालू होता है ये बीच में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गई ईच एमआरएनए इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोड तो एक 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 जो स्ट्रैंड है उसके ऊपर ऐसे कितने हो सकते हैं ऐसे ये 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 कितने हो सकते हैं ऐसे थाउजेंड्स हो सकते हैं थाउजेंड्स हो सकते हैं जिसमें तीन-तीन की पेयरिंग याद रखनी है आपको नाउ अमीनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय टी आर एन ए देखो अमीनो एसिड्स एक टी आर एन ए लेके आता है टी आर एन ए की एक तरफ हमने याद रखा था टी आर ए देखो यहाँ पर कैसा शेप दिया हुआ है यहाँ पे डायग्राम देखो कैसा दिया हुआ है इस शेप का हमने ऑलरेडी देखा ये शेप का हमने ऑलरेडी देखा ओके okay? एक तरफ देखो अमीनो एसिड एक लेके आता है और यहाँ पे ये एंटीकोडॉन ये क्या है एंटीकोडॉन ठीक है नीचे के तरफ, की तरफ एंटीकोडॉन ऊपर की तरफ अमीनो एसिड वो लेके आता है ओके फॉर दिस पर्पज टी आर एन एज एंटीकोडॉन ये लेकर आता है एंटीकोडॉन के साथ हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस अब एंटीकोडॉन में कॉमन सेंस होगा कॉम्प्लीमेंट्री होगा कि नहीं तो आर के ऊपर आपको मिलेगा ए सी जी तो इसका एंटी ये है अगर ये कोड है तो इसका एंटीकोडॉन क्या होगा तो आपको याद रखना है ए का ए का एंटीकोडॉन क्या होगा यू सी का क्या होगा जी एंड जी का क्या होगा सी तो इसका एंटीकोडॉन ये होता है

अमीनो एसिड ब्रॉड बाई टी आर एन एर बॉन्डेड टूगेदर बाई अड बॉन्ड और जो ऊपर एक अमीनो एसिड लेके आया था और नीचे से एक अमीनो एसिड फॉर्म हुआ ऐसे करके वो चेन बनाते जा रहा है ठीक है तो उसे हम ये भी मैंने बता दिया आपको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं उसको हेल्प ऑफ आर आर एन ये अब किसके हेल्प से जुड़ा आर आर एन ए ये भी मैंने आपको बताया था कि आर आर एन ए जो है वो उसको एक के ऊपर एक चेन फॉर्म करने में हेल्प करता है एक के ऊपर एक चेन फॉर्म करने में हेल्प करता है

एक के ऊपर एक आर एने की हेल्प से ये हमने ऑलरेडी जान लिया कि एक के ऊपर एक चेन फॉर्मेशन कर रहा है और वो आगे बढ़ते जाता है और चेन फॉर्म जैसे जैसे आगे बढ़ता है इसके अंदर का ट्रांसलोकेशन ओके okay? आगे बढ़ते हैं सच सच मेनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ऐसे बहुत सारे चेन मिलकर ये लोग प्रोटीन बनाते हैं दिस प्रोटीन कंट्रोल वेरियस फंक्शन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड टू तो हमारे बॉडी में फंक्शन हमारे बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करती है ये चीज एंड हमारे अपीरियंस को भी कंट्रोल करती है हमारी आईज हमारे दादा से मिलती है दादी से मिलती है हमारे डैड से मिलेंगे हमारा स्किन कलर तो ये सब कुछ जेनेटिक होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स लाइक ड्यू टू जीन्स ओनली एंड सम ऑफ दियस आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस तो ये बात हम ऑलरेडी समझते हैं और जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम हमारे एक जींस दूसरे के अंदर हम देते हैं और वो कैरी फॉरवर्ड होता है ड्यू टू दिस सम कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफ स्प्रिंग ये हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं कि पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स बच्चों में आते हैं ऑफ स्प्रिंग यानी कि बच्चे हावेवर समटाइम्स सडन चेंजेस अकर इन दो जीन्स तो ये भी हमने पढ़ा था कि कभी कभार जीन में कोई चेंज आ जाता है जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशन कभी कभार जीन के अंदर क्या हो जाता है कुछ चेंज हो जाता है किस तरह से कोड रॉन्ग हो जाता है कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसको चेंज को हम क्या बोलते हैं म्यूटेशन बोलते हैं चेंजेस समटाइम्स एनी ऑफ द जीन चेंजेस इट्स पोजिशन दैट कॉजेज अ माइनर चेंज विच इज नथिंग बट अ म्यूटेशन जिसको हम क्या बोलते हैं म्यूटेशन बोलते हैं सम म्यूटेशन मे बी माइनर बट सम मे बी कंसिडरेबल म्यूटेशन में कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनेमिया दिस इज एवर लास्टिंग प्रोसेस इट इज वन ऑफ द प्रूफ ऑफ डारविंस थियोरी ऑफ नैचुरल सिलेक्शन तो एकदम सिंपल सा यहाँ पे म्यूटेशन का पैराग्राफ दिया है कि कभी कभार कोड चेंज हो जाता है तो उसे म्यूटेशन कहते हैं और ये जो चेंज हो रहा है इसी, हम आगे पढ़ने वाले चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे मोस्टली डार्विन थियरी तब हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे तो इसी को डारविन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं जिसके अंदर कभी कभार कोड अपने आप चेंज हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं म्यूटेशन हो जाता है और इंसान में बदलाव आ जाता है ऑर्गेनिज्म में चेंज आ जाता है ओके सो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन ओके नेक्स्ट टॉपिक हमारा इवोल्यूशन होगा जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझा है एंड बहुत कंफ्यूजिंग uh, है ये चीज आई एग्री टू इट लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू अगर आप इसको बड़े प्यार से शांत मन से इसको समझे इसका बेसिक्स, सारे बेसिक्स याद रखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बहुत डिटेल में बेसिक बताया वो बेसिक आप याद रखो उसको बार बार वो वर्ड्स वर्ड्स यूज करो और उसके बाद जब आप ये सिंपल सा पैराग्राफ पढ़ोगे और डायग्राम्स रिफर करो वो जो इमेजेस थे आपको नेट पे भी मिल जाएंगे वीडियो में आपने जो इमेजेस देखे वो आपको नेट पे भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे वो डायग्राम्स आप रिफर करो बार बार आई एम श्योर आपको समझेगा ओके प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगता है वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट पार्ट जो है साइंस का जो यही चैप्टर का सेकेंड पार्ट हम करेंगे वो आपको मिल जाए ओके थैंक यू सो मच लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू थैंक यू सो मच